Yeah. It's awesome. प्राइवेट प्रॉपर्टी है जी है। अरे एक दो पनीर पराठा, दो आलू पराठा। हम हैं और हम हैं और हम ही हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू कारज ब्लॉग। मैं करुणा और गेस व्हाट, आपको बैकग्राउंड देख के समझ में तो आ ही गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, हम निकल पड़े हैं एक और अमेजिंग से रोड ट्रिप पे और इस बार हम चिकमगलूर जा रहे हैं। प्लान है चिकमगलूर को डिटेल में एक्सप्लोर करने का और बाकी इट्स ऑल लाइक ग्रीनरी ऑल अराउंड। बैंगलोर का जो कॉन्क्रीट जंगल है उसके कंपैरिजन में ये ग्रीनरी तो आंखों को बहुत सुकून देगा। सो आइए चलिए बिना डिले किए आज की इस 255 किलोमीटर्स की जर्नी स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको रूट स्टे सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। ब्लॉग को एंड तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए चलिए बिना डिले किए आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो आई एम वेयरिंग दिस अमेजिंग कुर्ता सेट फ्रॉम संहिताज और ये बहुत कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए, तो संहिताज.com चेक कीजिए फॉर द लेटेस्ट फ्लोरल कलेक्शंस। घर छोड़ दिए थे और जो रूट हम आज लेने वाले हैं ना वो वाया नाइस रोड होते हुए नाइस रोड, टुमकुर रोड, हासन एंड देन चिकमगलूर के तरफ हम जाएंगे, है ना। जर्नी अमेजिंग होने वाली है बिकॉज ये कुनिगल का पूरा रूट अपने आप में बहुत सीनिक है अंटिल चिकमगलूर। और यूनिक सा प्रॉपर्टी आज सेलेक्ट किया है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी प्रॉपर्टी का डिटेल इंसाइट मिले और आप भी इस जगह को ऑप्ट कर सको। और हमारे एक सब्सक्राइबर हमें मिले हैं यहाँ पे टुमकुर वाले प्लाजा के पास में ही। यस, यू कैन शेयर योर थॉट्स। या हाय, दिस इज आर्गिया, आई रेगुलरली वॉच योर चैनल। या इट्स ऑसम, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस जर्नी टुवर्ड्स माईडाला लेक। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर। की जर्नी जो है ना कुछ अराउंड 255 किलोमीटर्स की है, जो मैंने आपको पहले बताया भी। टाइम कुछ हो रहा है अभी अराउंड अप्रोक्सीमेटली 7:30 और हम नेलमंगला के आसपास पहुंचने वाले हैं। प्लान है कुनिगल के आसपास जो पाकशाला है या बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स आपको इस रूट में देखने को मिल जाते हैं, जैसे एक तो स्वाति डेलिकेसी दिखा चुकी हूँ, एक किच्चा सुदीप जी का रेस्टोरेंट है, तो एक वो है ऑप्शन ही ऑप्शन ध्रुव तारे करके एक बड़ा रेस्टोरेंट है। तो यू हैव सम ऑथेंटिक रियली गुड रेस्टोरेंट्स जहाँ पे आप अपना साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट मस्त वाला कर सकते हो, है ना, विच इज लाइट एंड इजी एंड द बेस्ट थिंग यू कैन हैव जब आप ट्रैवल करते रहते हो। तो चलिए ब्रेकफास्ट पॉइंट पे आपसे मिलते हैं। रूट का तो एक डिटेल मैंने शेयर कर ही दिया और बस वही है ना, विवान फिलहाल रेस्ट करने में लगा हुआ है एंड मिस्टर डीके इज फोकस्ड ड्राइविंग ड्राइविंग एंड ड्राइविंग। फटाफट ब्रेकफास्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। कुनिगल हासन के तरफ जो टर्न लेना रहता है वो हमने ले लिया और हम आ गए हैं अब ये प्रॉपर हाईवे पे। विवान, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ, क्या करेगा चिकमगलूर में? कॉफी पिएगा? वी हैव क्विकली स्टॉप हियर एट पाकशाला। यहाँ पे फटाफट ब्रेकफास्ट ग्रैब करेंगे और फिर निकलेंगे। ये आपको ना कुनिगल आते साथ शुरू में फर्स्ट रेस्टोरेंट मिल जाता है, बैनर तो आपको दिख ही रहा होगा। एंड लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था जब हम वायनाड ट्रिप के लिए जा रहे थे, तो दैट्स व्हाई इट्स पाकशाला फॉर अस।
मॉर्निंग सब ब्रेकफास्ट हो गया और चलिए अब फटाफट निकल रहे हैं टुवर्ड्स चिकमगलूर। यहाँ पे कहीं कहीं हमें ये सेकंड टाइम बैरिकेड और इस तरह का कुछ चेक पोस्ट वगैरह टेम्पररी बना दिया गया है। और ड्राइव तो ड्राइव जा रहा है भैया, ग्रीनरी दोनों तरफ एकदम गजब का, वैलीज ग्रीनरी फ्लावर्स कलरफुल, इधर राइट साइड में बीच में है, कहीं कहीं दिख रहा है कहीं कहीं नहीं भी दिख रहा है, बट इट्स ऑल वेरी ब्यूटिफुल। ये स्ट्रेच अपने आप में बहुत खूबसूरत है एंड श्योरली आप NH 75 का ये पूरा ड्राइव जो है सकलेशपुर जाने के लिए, मैंगलोर जाने के लिए, हसन जाने के लिए, चिकमगलूर जाने के लिए यू विल एंजॉय इट। और देखिए यहाँ एक और बड़ा रेस्टोरेंट आ गया, ध्रुव तारे। टोल प्लाजा आ गया है और हमारा टेम्पररी जुगाड़ जो है देखिए वो परमानेंट जुगाड़ में तब्दील हो चुका है ना मिस्टर डी के। बाय द वे एक चीज समझना था, जैसे ICICI का आपने टैग लगा दिया है तो वो डायरेक्ट अकाउंट से नहीं डेबिट करता, उसके अंदर भी वॉलेट में आपको ऐड करके पैसे रखने पड़ेंगे, राइट? ICICI वॉलेट करके मेंशन रहता है। अच्छा, तो उसमें आप मतलब ऑटो ये करके भी रख सकते हो कि जैसे उसमें पैसा कम हुआ अपने आप क्रेडिट हो जाएगा। जैसे हम अपना कर दिए कि जैसे 200 से कम होता है उसमें 500 डाल दो, ओके ऑटोमेटिक वो कर लेगा, काइंड ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया है तो वो ले लेगा ना। हाँ हाँ हाँ, करने के लिए रुके हैं, हल्का सा एक छोटू सा ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा सा सीनिक रास्ता दिखा, देखिए चारों तरफ नारियल के पेड़ हैं, उधर एक छोटा सा गांव दिख रहा है एंड बस देखिए वो पीछे में ही आपको मेन रोड दिख जाएगा, तो बहुत ज्यादा तो आपको मालूम होगा, हम कभी अंदर आते नहीं है। और एक नया चीज दिखाना था आपको जो हमने अपने रोड ट्रिप में इंट्रोड्यूस किया है एज अ कंपेनियन, सो इट्स टाइम टू शो यू समथिंग। तो ये था हम लोगों का अमेजोन वाला चेयर और ना मैं इसका डिटेल्ड इन्फो बोल रही हूँ, मैं लिंक ना यहाँ पे डाल दे रही हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हमने अमेजोन से ही लिया है। मस्त है, मस्त है। सो हाउ इज इट मिस्टर डी के इन टर्म्स ऑफ कम्फर्ट? अच्छा लग रहा है, ठीक है, अब कम्फर्टेबल क्या एक्सपेक्ट करना, तब तो इसी बैठने के लिए। हाँ, चाय वाय इस तरह से बैठना मिल गया, वहाँ थोड़ा मिस करते थे, वैसे कार के पीछे बैठते थे। हाँ, कहीं कहीं खास करके लेक वेक में थोड़ा, इसलिए सोचे कि नहीं एक होना चाहिए कैंपिंग चेयर, है ना। नहीं, लग तो रहा है मजबूत, इस पे हम लोग 2-3 बार इसको यूज भी कर चुके हैं लेकिन कुछ ऐसा दिक्कत तो नहीं आया है अब तक। सो ये ना चेयर जो है फोल्ड हो करके काफी कॉम्पैक्ट हो जाता है और विवान जी जो है सो देखिए उसको ऑलरेडी फोल्ड कर दिए हैं एंड ही इज हेल्पिंग हिज पापा। सो ये एक्चुअली फोल्ड हो करके ना इसका कवर देखिए कितना पतला सा है, उस कवर में आराम से चला जाएगा ये। सो जस्ट सी इट, देखिए कितना इजीली है ना। सो कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स ना आपके लिए बहुत हैंडी और इजी हो जाते। देखिए अब ये 2 पैकेट्स हो गए, आप आराम से इसको कहीं भी रोल करके रख दोगे ना तो आराम से आपकी गाड़ी में ये कोने में इट विल बी देयर। सो सी, देखिए आज हो सकता है आपको ये यूजफुल आपके लिए ये प्रोडक्ट हो, अगर आपको भी रोड ट्रिप्स वगैरह पसंद है हमारी तरह। और चलते हैं आगे की जर्नी के लिए, प्रोसीड करते हैं हम, है ना। छोटा सा प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे ना विंडमिल्स लेफ्ट साइड पे आपको जो दिखती है ना, तो उसके पास में ना महादेव का एक बहुत सुंदर सा मंदिर है, उनको बोलते हैं मवानुरु मल्लेश्वरा स्वामी टेम्पल। तो देखिए आपको जैसा कि लेफ्ट में दिख भी रहा होगा
मैंने दिखाया भी आपको, तो विंडमिल्स के पास में है एकदम वो महादेव का मंदिर। आइए चलिए हम एक छोटा सा डिटोर लेकर के उधर जाएंगे। मेन हाईवे से आप अराउंड से 7 to 10 किलोमीटर्स का ही आपको डिटोर लेने की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा आपको हटके नहीं जाना पड़ेगा। तो आइए चलिए उस मंदिर में चलते हैं, आपको एक ग्लिम्स दूंगी क्योंकि वो बिल्कुल विंडमिल के पास में है और हमारे एक सब्सक्राइबर मिस्टर भरत ने हमें ये जगह रिकमेंड करी थी। सो यस, थैंक्स टू हिम एंड यस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट ब्यूटीफुल टेम्पल। सो ये देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा टर्न और हम ये लेफ्ट टर्न ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे गोपुरम माता रानी का बहुत सुंदर सा बना हुआ है। आइए चलिए, जय माता दी, जय माता दी। नाम से आपको जीपीएस में ना ये जब आप टेंपल का नाम डालिएगा ना तो आपको आराम से ले जाएगा जीपीएस लास्ट लास्ट में, और दूर से ही आपको मंदिर की एक पहाड़ पे झलक भी मिल जाएगी। मल्लेश्वरा टेम्पल हम पहुंच चुके हैं, आइए चलिए फटाफट अंदर चल के दर्शन करते हैं। देख सकते हो मैं ये मंदिर में पहुंच चुकी हूँ, बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ शूटिंग भी स्वामी ने अलाउ कर रखा है पंडित जी ने। तो बगल में ही आपको एक लाइन से काफी ब्यूटीफुल ग्लिम्प्स मिलता है विंडमिल का, एकदम क्लोज है, सामने से देख सकते हो यहीं पे मंदिर है और मंदिर के उस तरफ भी आपको काफी सारे विंडमिल देखने को मिलते हैं, है ना। सो कुछ ऐसा सेटअप है और बहुत अमेजिंग लगेगा। तो इस रूट पे आते हैं ना हासन के टूवर्ड्स जाते समय, तो इस जगह पे आइएगा, रुकिएगा। इनकेस अगर मान लीजिए आप स्पिरिचुअल टाइप के पर्सन नहीं भी हो तो भी ये जगह बहुत सीनिक है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो यहाँ आके कुछ पिक्चर्स क्लिक करने तो बनते हैं। तो आप आइए यहाँ और फील कीजिए इस जगह को, अच्छा लगेगा, डिफरेंट एक्सपीरियंस है। दर्शन कर लिए हैं और निकल रहे हैं अब यहाँ से मंदिर के पास से। हर हर महादेव। खूबसूरत लोकेशन पे है और कितना शांति से हमने पूजा भी किया ना, तो देखिए कितने अच्छे समय पे पहुँच गए, दैट्स द बेस्ट पार्ट। इसके दिन में भी और ये खूबसूरत हो जाएगा। हासन के ये मैं आ चुके हैं, अंदर आ चुके हैं, जो राइट के टूवर्ड्स आप जाते हो तो हासन आता है और बेसिकली बैनर हटाए हुए था हासन का, वेलकम टू द सिटी ऑफ हासन, वो जो रहता है ना वो हटाए हुए था एक्चुअली, तो नहीं समझ पाए। सो इसीलिए एक क्विक चेक पोस्ट आया था तो उन्होंने बस ये जो हमारा कूल ग्लव बॉक्स है ना उसे चेक करने की बात करी और उन्होंने बस ओपन करवाया और फिर बंद कर दिया। सो मतलब शायद वो इलेक्शन के टाइम पे कैश चेक करते हैं। सो टाइम फॉर अ नारियल पानी ब्रेक और हम गंजी वाला खाएंगे। गंजी एज इन कन्नड़ा में गंजी बोलते हैं और मलाई बोलते हैं हिंदी में, तो थोड़ा खाने का भी कोटा हो जाता है और थोड़ा हाइड्रेशन भी हो जाता है। मिस्टर डीके आपका फेवरेट गंजी वाला? हाँ, ये दोनों काम करता है। हाँ। प्यास भी बुझाता है और पेट भी भरता है। एग्जैक्टली।
ये रहा मिस्टर डीके का बड़ा सा भरा हुआ नारियल। वो तो वन हाँ, एकदम गर्मी के बीच में अगर मिल जाता है ना तो गजब का टेस्टी और मीठा है यार। स्वीट वाओ यार, ये तो अच्छा खासा नारियल ही है मिस्टर डी के, पेट भर जाएगा ये खाने पर। नारियल पानी पी के अब आगे की जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। चिकमगलूर बेसिकली कॉफी के लिए जाना जाता है और छोटा सा हिल स्टेशन है कर्नाटका का, कर्नाटका में ही फॉल करता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि काफी सारे जगह हैं जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हमारा इस बार का प्लान है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम चिकमगलूर आए थे ना, तो क्योंकि मोस्ट पीपल प्रेफर विजिटिंग हियर ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, क्योंकि सब तरफ लश एकदम ग्रीनरी और एक अलग लेवल पे रहता है। तो हम आए थे लेकिन हम कहीं घूम ही नहीं पाए थे। इट वॉज जस्ट लाइक कि चिकमगलूर आए, एक रिजॉर्ट में रिलैक्स किया था, रिटर्न आ गए थे। सो दैट टाइम इट वॉज हनी ड्यूज एक्सोटिका हम लोग जिसमें बुक किए थे। आज जो हमने प्रॉपर्टी बुक करी है वो एकदम नई प्रॉपर्टी है और अच्छा सा रिजॉर्ट है, एक हिल टॉप पे है और वहां से आप सनसेट वगैरह का व्यू बहुत खूबसूरत सा ले सकते हैं। तो अमेजिंग सी प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट की है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चिकमगलूर के मार्केट में आ चुके हैं और यहाँ ना एक मिश्रास पराठा करके है, तो लंच का वही का हमने प्लान किया है। वो क्योंकि विवान अच्छे से सोया हुआ है ना, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए मिस्टर डीके को भेजा है मिश्रा पराठा। ये फर्स्ट फ्लोर में ही है और वहां से बोला है कुछ पार्सल वार्सल करा के ले आइए, अपने लंच में कुछ पराठा ग्रैब करेंगे। देखते हैं आलू पराठा या मिक्सर, मेरा तो फेवरेट आलू पराठा है। मिस्टर डीके क्या लेके आते हैं, लेट्स सी। टाइम हो रहा है कुछ दो है ना, और देखिए हमारी प्रॉपर्टी जो है 18 किलोमीटर यहाँ से है। तो मैं आ गई हूँ मिश्रास पराठा पे और काफी बढ़िया सा सेटअप लग रहा है, इनका कैफे है और आप देख सकते हो, यू कैन सी अराउंड, अच्छा सा सेटअप कर रखा है। सब्सक्राइबर है मिस्टर श्रीनिवास, उन्होंने ही रिकमेंड किया इस जगह के बारे में और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा यहाँ पे मिलता है फूड, तो यस वी आर हियर टू ट्राई इट है ना, खा करके फिर आपके साथ फीडबैक शेयर करते। सो ये हमारा पार्सल रेडी है विथ ऑल दी आइटम्स। क्या क्या दिया है भैया आपने, आप बता दो। गुलाब जामुन दिया है, अरे वाह, कर्ड दिया है, एक अरे वाह, एक दो पनीर पराठा, दो आलू पराठा। ओके ओके, एकदम गर्मा गर्म पराठे हैं भाई है ना, और ये अचार वगैरह का पैकेट है ना। ये हमारे मैनेजर साहब, हाय हाय हाय। सो वाज जस्ट लाइक टेकिंग अ हैंग ऑफ थिंग्स। आई वाज रिकमेंडेड बाय मिस्टर श्रीनिवास पाई टू योर दिस थिंग, ही सेड दैट इट्स अ वेरी गुड प्लेस एंड यू कैन हैव सम अमेजिंग गुड फूड एंड आई कैन फील इट, सो थैंक्स अ लॉट। बस हम लोग यही फ्रंट सीट पे बैठ के अभी खा ले रहे हैं क्योंकि विमान अभी भी सोया हुआ है, तो मस्त यहीं पे बैठ के। अच्छा सा पैकेजिंग है और ये दही वही गाढ़ा बड़ा बढ़िया सा दे रखा है, ये गुलाब जामुन, तो ये सब तो आपको मैंने दिखा ही दिया था। फटाफट यहीं बैठ के खाएंगे है ना। अच्छा बना हुआ है, वो बोल ही रहे थे कि अच्छा लगेगा, अमेजिंग लगेगा खाने में। फ्रेश है ना एकदम, पनीर भी फ्रेश है। आज हम काफी मुझे मतलब लास्ट याद नहीं है ऑनेस्टली कि हम लोग पराठा का डिनर कब किए ना मिस्टर, सॉरी लंच, पराठा का लंच कब किए हैं। और जो इन्होंने हल्का सा स्मोकी फ्लेवर रखा है ना, वो अच्छा लग रहा है खाने में। मेरा फेवरेट आइटम तो छुपा के रखे हैं, गुलाब जामुन।
विवान उठेगा, खा के खिला दूंगी हाफ ऑफ द पराठा। तो मिस्टर डीके, लंच का मजा आया? मस्त, बहुत दिन के बाद हल्का पराठा और रोटी का हुआ। राइस हेवी हो जाता है, रोटी का आइटम थोड़ा हल्का होता है, लाइट वेट, और गर्मी के लिए बहुत अच्छा भी लगता है। अब रात को डिनर में बस मेरा आइटम मिल जाए। अच्छा, एंड वो क्या है? चिकन विंग्स। दिन का वसूली करे। लंच कर लिए है, हमारा प्रॉपर्टी यहीं पे 14 किलोमीटर और जा करके है, तो यस चलिए। और ग्रीन जोन स्टार्ट हो चुका है, मैप्स में सब कुछ सब तरफ ग्रीनरी दिख रहा है, हमें भी सब तरफ ग्रीनरी दिख रहा है ऑफ कोर्स। तो चलिए चलते हैं फटाफट, है ना, प्रॉपर्टी के पास आपसे मुलाकात होगी और बीच में कुछ सीनिक व्यूज का मैं एक आपको झलक देती हूँ। सो 15 किलोमीटर्स पहले से ना बहुत सीनिक सा ड्राइव स्टार्ट हो जाता है, आप एकदम ग्रीन जोन में चले जाते हो और फॉरेस्ट और सी ब्यूटीफुल सीनिक रास्तों से होते हुए आप क्रॉस करते हो। जगह जगह पे इस तरह से आपको साइन बोर्ड्स वगैरह मिलते रहेंगे, तो आपको किसी तरह का भी प्रॉपर्टी को लोकेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। GPS फोन का ठीक ठाक काम करता है यहाँ, तो आप आराम से GPS को भी फॉलो कर सकते हो। So the good news is, रोड कुछ 200 to 300 मीटर के लिए ही खराब थी, अब आगे ठीक दिख रही है हमें, बढ़िया रोड दिख रहा है, देखिए, है ना? लोकेशन की मुझे फील आ रही है इस प्रॉपर्टी का, जितना हम अंदर तक ड्राइव कर चुके हैं। क्या मिस्टर डीके, व्हाट आर योर थॉट्स, है ना? अंदर में है, थोड़ा पतला रोड है, भीड़ भाड़ से दूर इन्होंने बनाया है। सो ये हम पहुंच गए हैं कार्तिक स्टेट कॉटेजेस पे, और हमारा ठिकाना यही रहेगा अभी। पट्टी में एंटर कर चुके हैं और कॉटेजेस का साइन बोर्ड बना हुआ है, कॉटेजेस दिस वे। एकदम क्वाइट सा, सरीन सा, चारों तरफ ग्रीनरी के बीच में ये लोकेशन है। आइए चलिए आगे चलते हैं और प्रॉपर्टी की आपको एक इनसाइट देते हैं। तो हम फाइनली प्रॉपर्टी पहुंच चुके हैं और बहुत अमेजिंग सा ये लोकेशन है रिजॉर्ट का, आने का रास्ता भी अच्छा था। आइए चलिए आपको क्विकली प्रॉपर्टी का एक ग्लिम्स दे देती हूँ। सो ये हमारा वेलकम ड्रिंक। थैंक यू वेरी मच। यस, लॉन्जर चेयर देखने को मिल जाएगा, एक आपको बढ़िया सा बिग किंग साइज बेड मिल जाता है, एसी वेसी फुल्ली मतलब रहेगा आपका प्रीमियम ऑप्शन में इंक्लूडेड, बड़ी सी टीवी, मिरर और प्रीमियम बड़ा सा बाथरूम एंड बालकनी, तो मैं स्पेशली आपको दिखाऊंगी। बालकनी हाईलाइट है इस प्रॉपर्टी का, लुक एट दिस, इट्स सो ब्यूटीफुल। बाहर ठंडी हवाएं ऑलरेडी चलने लगी है हल्की, वाओ अच्छा लग रहा है। विवान, इज इट यम्मी? यम्मी लगा। ठीक है, प्रॉपर्टी कैसा लगा रिजॉर्ट? बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा मेरे को वो हो रहा था, इतना अंदर है पता नहीं कैसे रहेगा, वर्थ रहेगा। एग्जैक्टली सेम हियर, बट टोटली वर्थ है। और सबसे उस पे क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा, कि अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी है आज के लिए और कोई नहीं है। एग्जैक्टली, वीकडेज में ट्रैवल करने का यही फायदा होता है। तो हम लोग फिर से वापस निकल पड़े हैं और इस बार यहीं पे प्रॉपर्टी के अंदर से ही रास्ता है सनसेट व्यू पॉइंट का। सो हम जा रहे हैं देखने के लिए सनसेट, और ये जो पहला वाला कॉटेज दिख रहा है ना, वो हमारा कॉटेज है। चलिए फिलहाल आपको सनसेट का एक ग्लिम्स देती हूँ यहाँ से कैसा होता है।
है ना। बाय द वे मिस्टर डी के वेदर कितना अच्छा हो गया ना, एकदम ठंडा ठंडा, प्लेजेंट प्लेजेंट। सो मौसम ठंडी हो गई है, इट्स ऑलमोस्ट 5:30 नाउ एंड सच में वेदर एकदम बहुत बहुत प्लेजेंट और बढ़िया हो रखा है। गर्मी तो लगेगा ही नहीं और चारों तरफ ग्रीनरी और हल्की ठंडी हवाएं चल रही है। When we wake, hear the birds and see the sun, side by side our fears are done, all the good times just begun. आते हो ना तो दिस इज द व्यू यू गेट एंड इट इज सो मैजिकल एंड ब्यूटीफुल। बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है इस जगह पे आके। आई एम ग्लैड, मतलब पिछले कुछ टाइम में ना दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज वी हैव सिलेक्टेड। और जस्ट आपके जो हमारा रिजॉर्ट रूम है ना उसे 5 मिनट का प्रॉपर्टी के अंदर से ही रास्ता है, आप वॉक करते हुए यहाँ चले आते हो थ्रू द कॉफी स्ट्रीट। Have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. आपको भी बैकड्रॉप में दिख रहा होगा अब तक का, मतलब हम जितने जगह घूमने गए हैं ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट था। ये पूरा वेस्टर्न घाट्स है और वहां पे होते हुए हमने देखा एकदम सामने से और मेरा चेहरा देख के आपको समझ में आ रहा होगा दिस प्लेस इज वॉन्डर्स। सो रिजॉर्ट अपने आप में बहुत स्पेशल है फॉर दिस वन सोल रीजन। और आज तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी फील हो रहा है क्योंकि मैंने बताया वीकडेज या फिर संडे वनडे को मतलब बिल्कुल खाली हो गया है। So it's nothing less than amazing. So yes, that's the beauty. उम्मीद करती हूँ आज का आपको ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। हमने नया एक टेम्पल एक्सप्लोर किया हासन के पास में, वो अच्छा लगा होगा। एंड सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं ताकि आपकी जर्नी मतलब कंफर्टेबल रहे। एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों को टेम्परेचर को लेकर शायद क्यूरियोसिटी रहता होगा। देखिए पीछे पूरा मिस्ट हो चुका है, एकदम ठंडा लग रहा है अभी तो। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट लाइक 20 डिग्री आसपास हो गया होगा अब तक, जितनी ठंडी हवाएं चल रही थी। इट्स वेरी कोल्ड एंड यू कैन एक्सपेक्ट लाइक आफ्टर 5 इवनिंग्स विल बी वेरी गुड एंड मॉर्निंग तो अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का ये ब्लॉग खत्म करते हैं, आपसे मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम इसी तरह मोटिवेट होकर आपके लिए मेहनत करते रहे, है ना, ताकि आप अच्छे अच्छे कंटेंट्स देख सको। सजेशंस दीजिए, फीडबैक दीजिए, क्वेश्चंस हो तो कमेंट कीजिए। चलिए मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। तब मिस्टर डी के ठंडा वंडा लग रहा है कि नहीं? लगने लगा, ठंडा लग रहा है बट एक्चुअली में बहुत। और ये रही हमारी पकौड़ी, ये हमारा चाय, शाम का चल रहा है प्राइवेट रिसॉर्ट में। प्राइवेट रिसॉर्ट में और क्या चाहिए, एब्सोल्युटली सिर्फ हम हैं और हम हैं और हम ही हैं। Almost to say, how many years?